Hey everyone, this is KD Kunal and this is the Venue SO 1.0 liter turbo DCT in front of me and आज इसकी फुल डिटेल वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंड ये ऐसी कुछ की मिलती है जहाँ आपको लॉक अनलॉक एंड बूट को रिलीज़ करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। एंड अपर वेरिएंट में अगर आप जाओगे तो आपको चौथा बटन मिलेगा जो कि ऑटो मतलब इस गाड़ी को आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। एंड देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ ये DRLs एंड इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपका जो है प्रोजेक्टर LED लैम्प मिलता है यहाँ पे देख सकते हो। एंड चारों तरफ आपको DRLs मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है। एंड ये नीचे आपको मैट ब्लैक ग्रिल मिलती है, लोअर ग्रिल जो है, एंड ये डार्किश क्रोम टाइप आपको ग्रिल मिलती है। एंड इसमें गैप भी है कुछ ताकि एयर अंदर जा सके। एंड ये Hyundai का लोगो, काफ़ी सही है, मतलब ग्रिल भी काफ़ी बढ़िया लगती है। ये नीचे मैट ब्लैक नेम प्लेट नंबर प्लेट आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। एंड ये देख सकते हो नीचे आपको सिल्वर एलिमेंट का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो सही है, गाड़ी काफ़ी बढ़िया सी भी लगती है। एंड पावर तो भाई इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है क्योंकि ये टर्बो इंजन है। लेंथ गाड़ी की 3995 mm की मिल जाती है। एंड बोनेट पे कुछ डिज़ाइन आपको दे दिया जाता है, काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में भी। कॉम्पैक्ट ही SUV जो है ये लगती है देखने में। और भाई ये विड्थ जो है इस गाड़ी की वो 1770 mm की आपको मिल जाती है। ये इसकी साइड प्रोफाइल है जहाँ पे आपको ये जो व्हील्स देख रहे हो ना आप, यार बिल्कुल एलॉय व्हील्स जैसे लगते हैं क्योंकि इसमें एलॉय व्हील्स भी जो हैं वो सेम ही आते हैं। ये DCT की बेजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड ये है भाई टायर, जहाँ पे आपको 16 इंचेस में आपको टायर साइज दे दिया जाता है। एंड ये व्हील कैप है यार, कोई एलॉय व्हील नहीं है, अंदर आपकी स्टील रिम है। बट इसमें क्या है, एलॉय व्हील ऐसे ही आते हैं तो जिस सेम आपको देखने में वैसे ही लगेगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है, ये साइड क्लैडिंग आप देख सकते हो। 195 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में दे दिया जाता है। एंड हाइट गाड़ी की 1617 mm की आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पे देख सकते हो टर्न इंडिकेटर्स जो आपके ORBMs पर ही है, बॉडी कलर्ड ORBMs आपको मिलते हैं। एंड फंक्शनल रूफ रेल्स मिल जाती हैं आपको इस वेरिएंट में सिल्वर कलर में। एंड ये देख सकते हो ऊपर एक शार्फिन एंटीना आपको दे दिया जाता है, काफ़ी सही है यार मतलब। एंड इस वेरिएंट में कोई भी सनरूफ वगैरह तो नहीं है, बट रूफ पे आपको वो डिज़ाइन दे दिया जाएगा बेसिक सा। और ये है भाई इसकी बैक प्रोफाइल, तो यहाँ पे भी आपको गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। व्हील बेस गाड़ी का जो मिलता है वो आपको 2500 mm का मिल जाता है। एंड ये देख सकते हो ये साइड क्लैडिंग पूरी मतलब चारों तरफ गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगी। डोर हैंडल्स भी आपके बॉडी कलर्ड ही रहेंगे, तो मतलब गाड़ी पूरी सही है। एंड ये है भाई कनेक्टिंग लाइट्स, टर्बो की बेजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड ये देख सकते हो वेन्यू आपका बीच में प्लेस है, Hyundai का लोगो। एंड ये स्ट्रिप वाली लाइट है ना यार, काफ़ी बढ़िया लगती है। इसकी जो टेल लाइट है कंप्लीट भाई अलग ही लुक आता है। ये रिफ्लेक्टर एंड ये आपका रिवर्स लाइट। एंड ये देख सकते हो लोअर बम्पर जो कि आपका सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ है। एंड ये पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स कैमरा, और भाई इसमें देख सकते हो Hyundai का लोगो आपका मतलब बहुत सही लगता है देखने में। यहाँ पे ये हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर एंड डिफोगर भी गाड़ी में मिल जाता है, वाइपर भी। सही है यार सारे फीचर्स, मतलब ये आप कह सकते हो बेस मॉडल है जो कि 1.0 लीटर में आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी में 45 लीटर्स की मिल जाती है। को पैसेंजर साइड अगर हम बात करें तो आप यहां से कुछ ओपन कर सकते हो, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर तो यहां पे नहीं दिया हुआ है। एंड ये है कुछ ऐसा इंटीरियर जहाँ पर आपको कुछ ये वाइट सा भी कलर नहीं है, एंड ये बीच है जो कि लाइट कलर है, लाइट बीच कह सकते हो आप। एंड ये डोर हैंडल्स आप इंटीरियर वाले देख सकते हो, ये मतलब डार्क नहीं है, ये लाइट बीच कह सकते हो आप इसे। एंड पावर विंडोज़ के कंट्रोल, यहाँ पे बोतल होल्डर, स्पीकर्स, सब कुछ आपको इस मॉडल में मिल जाता है, ट्विटर भी आपको मिल जाते हैं। एंड ये है भाई सीट जो कि आप स्लाइड इजीली कर सकते हो, कोई भी हाइट एडजस्टेबल तो ये सीट नहीं मिलती। चलिए चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर एंड अंदर के कुछ फीचर्स के बारे में। तो मैं बताऊं गाड़ी में यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। और मैं बात करूँ अंदर की तो यहाँ देख सकते हो आप डोर ये डुअल टोन में आपको मिल जाता है। एंड कोई भी सॉफ्ट मटेरियल तो यूज़ नहीं हुआ, बट जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड यहाँ पे लॉक अनलॉक, ORBMs के कंट्रोल और ये सारे कुछ फीचर्स आपको दे दिए जाएंगे। सिल्वर कलर के इंटीरियर के डोर हैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, सही है यार। और अगर मैं बैठ के, और ये देखो आप पहले इंटीरियर देखो कितना बढ़िया लगता है देखने में भी, बैठ के मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हो एक्सेलेटर एंड ब्रेक पैडल मिल जाता है।
और यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट वगैरह के कुछ फीचर्स मिल जाएंगे एंड स्टेयरिंग व्हील आपका स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे इन्फोटेनमेंट वगैरह से रिलेटेड एंड ये इसका ऑटोमेटिक एंड देख सकते हैं यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी गाड़ी में दे दिए जाएंगे। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है मैं बताऊँ आपको देखने में एंड यहाँ पे इन्फोटेनमेंट के कॉल रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कुछ मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें एडजस्टमेंट की तो आपका टिल्टी है यार शायद टेलीस्कोपिक तो शायद नहीं है तो सही है मतलब स्टीयरिंग व्हील भी आपका टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है और गाड़ी में ये देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील मतलब आपको ग्रिप अच्छी मिलती है इन्फोटेनमेंट भी एंड्रॉयड एप्पल ऑटो कार प्ले सारा कुछ सपोर्ट करता है गाड़ी में और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो सारी चीज़ें मतलब क्लियरली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे एसी जो कि आपका मैनुअली आता है कोई भी ऑटोमेटिक एसी तो इसमें नहीं दिया गया है एंड ये 12V सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड ये गियर जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है एकदम प्रीमियम सा देख सकते हो काफ़ी सही है। और यहाँ पे पार्किंग रिवर्स न्यूटन एंड ड्राइव और ये हैं इसमें ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं आपको सिल्वर टच दिया हुआ है यहाँ पे एंड सही है काफ़ी मैट में और यहाँ पे रियर और फ्रंट के वो मिल जाते हैं आपको डिफोगर्स वगैरह और ये ग्लव बॉक्स एंड यहाँ पे कुछ स्पेस देखने को आपको मिल जाएगा। गाड़ी में आपको छः एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे ये डे नाइट IRVM आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे टिकट होल्डर दे दिया जाता है आपको एंड यहाँ की बात करें तो एक मिरर देखने को आपको मिल जाएगा। और मैं बात करूँ सीट की क्वालिटी और आर्मरेस्ट में स्पेस की तो वो भी काफ़ी ठीक दिया गया है आपको 2 कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर और मतलब ठीक ही है यार मतलब स्पेस भी आप देख सकते हो यहाँ से कोई इशू नहीं है और गाड़ी का केबिन शानदार लगता है देखने में नो डाउट। और देख सकते हो इसकी विंडशील्ड भी आप काफ़ी बड़ी है कोई भी विजिबिलिटी में इशू है नहीं ऐसा तो सही है यार गाड़ी काफ़ी। अब चलते हैं सेकंड रो में और बात कर लेते हैं उसके कुछ कम्फर्ट एंड फीचर्स के बारे में। तो गाड़ी आपकी जो सेफ्टी वाइज मैंने बताया 6 एयरबैग्स ऑफर कर देती है एंड ये है सेकंड रो का डोर जहाँ पे आपको ये सिल्वर कलर में देखने को मिल जाएगा एंड लॉक अनलॉक का बटन पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपके यहाँ पे मिल जाएंगे स्पीकर की प्लेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो एंड बोतल होल्डर भी आपको दे दिया जाता है एंड ये है भाई इसका सेकंड रो देख सकते हो आप यहाँ से। और मैं बैठ के भी बात करूँगा अभी स्पेस के बारे में तो भाई बहुत से लोगों को क्या है देखो डाउट रहता है कि वेन्यू में सेकंड रो का स्पेस ये देख सकते हो मेरी हाइट 6 फीट है ऐसा कुछ आपको नी रूम देखने को मिल जाएगा एंड ठीक है मतलब मैं आपको बताऊं पर्सनली मेरा ओपिनियन ठीक स्पेस आपको मिल जाता है एंड ये है आगे का केबिन जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। सेफ्टी वाइज गाड़ी में आपको एक और फीचर मिल जाता है 1 बीप मिलती है आपको 80 किलोमीटर एंड कंटिन्यूस बीप आपको मिलेगी 120 किलोमीटर पर हावर पर। लेन डिपार्चिंग वार्निंग तो नहीं मिलती है इसमें क्योंकि एडास का कोई फीचर नहीं मिलता है इस गाड़ी में एंड बीच में आपको आर्मरेस्ट का भी फीचर नहीं मिलता है बट सारे ही हेडरेस्ट जो हैं वो आपके एडजस्टेबल मिल जाते हैं एंड स्पेस देख सकते हो आप मतलब बहुत से लोगों को डाउट रहता है यार इसके स्पेस के लिए तो उसके लिए आप इसको देख चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो आप। ये है भाई इसका बूट स्पेस जहाँ पे आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा पार्शियल ट्रे भी मिल जाती है आपको देख सकते हो तो मतलब ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कह सकते हो क्योंकि आपको इस इंजन के अकॉर्डिंग काफ़ी सही मिल जाता है एंड ये है इसका स्पेयर व्हील जो कि आपका स्टील रिम में मिलता है एंड प्रोफाइल की बात करें तो आपको 15 इंचेस एक साइज कम मिलता है यार आपको स्पेयर व्हील का जो साइज है वो एक साइज कम मिलेगा ठीक है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हेलोजन लाइट मिल जाती है रिक्वेस्ट सेंसर एंड यहाँ से आप इजीली क्लोज कर सकते हो बूट कट जो डोर है। तो मैं बात कर लूँ इसके पावर एंड इंजन के बारे में तो हाँ मैंने बताया 1.0 लीटर्स का 3 सिलेंडर इनलाइन 4 वोल्ट इंजन आपको इसमें मिलता है 1.0 लीटर का कप्पा टर्बो GDI इंजन आपको इसमें मिल जाता है पेट्रोल वेरियंट है एंड 118 BHP पावर। टॉक की बात करें तो वो आपको मिलती है 172 Nm की तो आप ज़रूर से एक बार कंसीडर कर सकते हो इस गाड़ी को। गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को। वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी ग्वालियर ट्रेड फेयर में आपको RTO पे 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।